जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। QR कोड पेमेंट मेथड भुगतान की एक बहुत ही आसान प्रणाली के रूप में सामने आया है। आज छोटी से छोटी गांव की दुकानें हम अथवा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, इसी तरह से अमेजॉन भी बहुत पावरफुल ऐप है जो लगभग सारे फोनों में इस्तेमाल होता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अमेजॉन से अपना QR कोड किस तरह से निकालें ताकि हम पेमेंट रिसीव कर सकें। इसी के दूसरी तरफ हम दुकान में दुकान वाले के कोड का QR कोड का इस्तेमाल करके दुकानों से सामान किस तरह से खरीदना। अमेजॉन के QR कोड को फाइंड करने के लिए हमें अपने अमेजॉन ऐप पर आना है। अमेजॉन ऐप के बाद ये जो ब्लैक कलर से आपको पे वाला आइकन है इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है। अमेजॉन पे यहाँ पर आप जस्ट टच कर देंगे। इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसके लगभग तीन सेक्शन है, अमेजॉन पे बैलेंस, अमेजॉन पे UPI, अमेजॉन पे ICICI कार्ड। आपको लगभग बीच वाला अमेजॉन पे UPI इस पर आपको जस्ट टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस आता है जहां पर आपका आपका QR कोड इस तरह से है। इस QR कोड के द्वारा आपको अगर कोई भुगतान प्राप्त करना है तो आप इस QR कोड से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप यदि किसी से पेमेंट मंगाना चाहते हैं तो आप इस QR कोड से को सेंड करके अपनी पेमेंट मंगा सकते हैं। इसको आप को स्क्रीनशॉट लेकर इसको सुरक्षित गैलरी पर रखकर आप इसके थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं। अब हम दुकानदार के QR कोड का इस्तेमाल करके चीज कैसे खरीदनी है इसके लिए हम अपने मोबाइल फोन पर आ जाते हैं। अमेजॉन में आपको अमेजॉन पे ये ब्लैक कलर के आइकन पर टच करना है। अमेजॉन पे पर जब आप टच करते हैं तो कुछ समय के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह का डिस्प्ले होता है। इसमें एकदम राइट हैंड साइड में पे नाउ का ऑप्शन है, उसके नीचे स्कैन एंड पे बना है। इसके सामने आपको उस दुकानदार का QR कोड रख देना है और कुछ समय के बाद ये स्कैनिंग में लगाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट मेथड पूछा जाएगा जिसमें आपको कार्ड डिटेल अथवा UPI ID डालनी होगी, अथवा आप वैलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट क्लियर होने के बाद इस तरह से आपका मैसेज आ जाएगा कि आपके। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।